हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक पत्थर था। यह एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चुकोर पत्थर था जो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजज़ात का जहूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मोजज़ा इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ और यही मोजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफसिल वाक़ यह है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुसल किया करते थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इस कौम के एक फर्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंद कुद्स ने इनको नबुव्वत और रसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत और नबूवत भला इस बेहयाई के काम को कैसे गवारा फरमा सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तोहमत पहन कर गुसल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुसल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बोहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्स का सफ़ेद दाग है या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते, और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा बाजार में इसका प्रोपोगंडा फैल गया। इस मकरो तोहमत की साजिश का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कलब नाजुक पर बहुत बड़ा सदमा रंज गुजरा और आप बड़ी कोफत और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्स ने अपने मुकद्दस कलीम के रंज गम को भला कैसे गुवारा फरमाते और अपने एक बरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिके आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अल्लाह ताला ने आपकी बरायत और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम जदन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडा और उनके शकूक व शबहात का बादल छट गए और आपकी बरायत और बेऐबी का सूरज आफ्ताब आलमताब से ज्यादा रोशन और आश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुसल कर रहे थे और ये देख कर के यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुसल फरमाने लगे। गुसल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा ने सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सो भी हजर यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बने इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अकदस का हर हिस्सा हुस्न और जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी कोई मिसाल नहीं है। चुनाचा बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा कलीमुल्ला बिल्कुल बेऐब हैं। जब यह पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरायत का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। सुभान अल्लाह। ये प्यारे नाजरीन, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।